वेलकम टू सजीर भाई गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है हम आपको बताएंगे, जो स्कूटी एक्टिवा मेरे पास आया था और उस पर प्रॉब्लम हो रहा था, जो पीछे का व्हील है वो व्हील घुमा रहा है तो आवाज़ कर रहा है। तो गाइस जो पीछे का हम लोगों का व्हील होता है उसमें एक हम लोगों का मेन बैरिंग होता है और इंजन के अंदर कुछ और भी बैरिंग होता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा जो आवाज़ क्यों आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, पूरा चीज़ खोल के दिखाऊँगा और फिटिंग करके दिखाऊँगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो सो गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है, हमारे पास एक्टिवा 5G स्कूटी आया है होंडा कंपनी का। तो गाइस इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, जो व्हील घुमा रहा हूँ ना आवाज़ हो रहा है, अच्छी तरह से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कहीं जोर जोर से आवाज आ रही है, तो गाइस जोर जोर से आ रहा आवाज आ रही है व्हील जब घूम रहा है। तो अब इसका गियर बॉक्स जो होता है इसके अंदर कुछ बैरिंग होता है और पिनियम वगैरह होता है, अगर आपस में ठीक एडजस्ट ना हो तो बाइक में क्या होता है, आवाज़ आता है। तो चलिए मैं खोलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ जो इसका प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। गाइस मैंने खोल लिया है और इसका जितना भी पिनियम वगैरह है सब हमने खोला है। तो चलो एक तरफ से सब निकालते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जो किस कारण से बाइक में साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइस सबसे पहले हम चेकअप करेंगे, जो पिनियम चेकअप करेंगे और ये बैरिंग। तो मुझे ये सब बैरिंग मुझे सही लग रहा है, ठीक है, सही लग रहा है और पिनियम भी सही लग रहा है, बट इसमें हुआ क्या वो हम चेकअप करेंगे। सभी पिनियम सही, बैरिंग सही लग रहा है। ये भी सही लग रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ कुछ फोल्ड नहीं है, उस चैम्बर पर है। तो गाइस यहाँ देखिए कुछ बैरिंग यहाँ भी है, तो इस बैरिंग को भी हम चेकअप करेंगे। तो बैरिंग सही है, इसका शाफ्ट अलग है, हाँ ये वाला शाफ्ट, ये भी बैरिंग बिल्कुल सही है। तो गाइस इसमें क्या फोल्ड हुआ मैं आपको बताता हूँ।
जो हम लोग का व्हील का बैरिंग है, ये हम लोग का व्हील का बैरिंग ख़राब हो चुकी है और ये घर 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 कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ करके, ठीक है, प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए घर 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 कर रहा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं, बैरिंग खोलेंगे और इसके अंदर वायल सील है। वायल सील भी आप लोग देख लीजिए किस हिसाब से है, ज़्यादा नीचे भी नहीं करना है और ऊपर भी नहीं करना है, एक ही हिसाब से रखना है। तो चलिए हम बैरिंग खोलते हैं और वायल सील खोलते हैं, सही तरीका बताते हैं। पकड़ो इसको, अब हम इस तरह से एक बूश लेंगे, ठीक है, लेने के बाद हम इसको अटैच करेंगे। ये बैरिंग हम लोगों का ख़राब हो चुकी है, ये बैरिंग थोड़ा हम लोगों का गेज भी रहा है और ख़राब हो गया, इसको चेंज करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो इसका बैरिंग का नंबर आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस यहाँ 6004 बैरिंग है, 6004 बैरिंग नंबर है। हम मार्केट से नया बैरिंग लाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो काफ़ी सारे मैकेनिक एक गलती कर देते हैं, वायल सील जो है वो ठोक नहीं सकते, गलत जगह में ठोक देता है, क्योंकि इसमें एक छेद है, देखिए। वायल सील अगर हम लोग इस छेद के उस पार ले चल जाए तो क्या होगा, जितना भी इंजन वायल है इस साइड देखिए लीक हो जाएगा। अगर ये जगह कंपनी ने क्यों दिया है हम आपको बताते हैं, जो व्हील का जो गैस होता है। तो गाइस यहाँ बैरिंग के नीचे एक ऑयल सील होता है और उसमें एक छेद होता है, इसी छेद से जाता है, जब व्हील घूमता है तो बैरिंग गर्म हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन हवा जाता है जिसमें कि बैरिंग को सुरक्षा रखे। तो ये छेद ऑक्सीजन लेने के लिए है, हवा लेने के लिए है, तो इसको हमको ख्याल करना है और सही तरह से लगाना है। तो चलो हम बैरिंग लेके आया हूँ मार्केट से, एकदम जेन्युइन बैरिंग है 6004। तो चलिए इसे हम अटैच करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए किस तरह से आप लोग सेटिंग करें। तो जैसे कि हम यहाँ अटैच किया, बैरिंग ठोकने के लिए हम लोग पुलार की ज़रूरत है पाइप की, तो हम लोग यूज करेंगे इस पाइप को, ठीक है। तो हल्का हल्का करके लेके जाएंगे, अगर ज़ोर से मारेंगे तो चैम्बर टूट सकता है और भांग भी सकता है। तो गाइस यहाँ देखिए एकदम बैरिंग हम लोगों का 100% जा चुकी है, ठीक है। अब असली चीज़ हम लोगों का यहाँ है, जो हम लोग वायल सील किस तरह से लगाए। तो गाइस यहाँ देखिए वायल सील ठोकने के लिए भी हम लोगों का उल्टा सीधा होता है। ये जो वायल सील है अगर इस तरह से हम लोग लगाए तो वायल सील लीक करेगा, तो हम लोगों को इसी तरह से शेडिंग करना है ताकि हम लोगों का वायल सील लीकेज ना करे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। बस और ज़्यादा नहीं ठोकेंगे, ज़्यादा ठोकने से क्या होगा, इसमें जो हम लोगों का एक छेद है उस छेद के इंजन ऑयल चलाएगा। तो गाइस यहाँ का काम कंप्लीट है, अब आपको फीडिंग करके दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग फीडिंग करें, बेल्ट किस तरह से फीडिंग करें। तो चलो बाइक के स्कूटी के पास जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस सब फीडिंग करेंगे, चलो फीडिंग करते हैं और फीडिंग किस तरह से करें वो भी देख लीजिए। तो देखिए हमने लगा दिया और ये पिनियम हम उलट पलट भी कर सकते हैं, इस हिसाब से भी लगा सकते हैं और इस हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो गाइस चलो हम फीड करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। पैकिंग आप लोग चेक कर लेना, पैकिंग मेरा सही है। तो चलो हम लगाते हैं। तो गाइस चलो फिटिंग हो चुकी है, अब नॉट बोल्ट लगाता हूँ उस पार से और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से हम लोग बेल्ट को फिटिंग करें। बस तो गाइस अब आपको दिखाऊंगा बेल्ट टाइट करने का सही तरीका, जो आप लोग बेल्ट को किस तरह से टाइट करें और किस तरह से जांच करें जो बेल्ट हम लोगों का सही है या खराब है। यहाँ देखिए बेल्ट बहुत ही ढीला है,
इस तरह से हम घुमाएंगे और ऑटोमेटिक क्या होगा, बेल्ट हम लोगों का टाइट हो जाएगा। अब देखो बेल्ट आहिस्ता आहिस्ता करके टाइट हो रहा है। अब देखो बेल्ट एकदम पूरा टाइट हो चुकी है। देखो एकदम बेल्ट टाइट हो चुकी है, देखो पूरा टाइट हो चुकी है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस के यहाँ कुछ लुब्रिकेंट करना पड़ेगा जो हम लोगों का थोड़ा लुब्रिकेंट कर लिया, इसी से हम लोगों का सेल्फ स्टार्ट होता है। ये वन वे बैरिंग इसका है। तो चलो चैम्बर वगैरह लगाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सब कुछ फिट हो चुकी है। अब आपको दिखाता हूँ जो व्हील में आवाज़ नहीं है और ये बिल्कुल सही हो गया है। और पहले ये व्हील थोड़ा प्ले था तो अभी बिल्कुल सही हो गया है। तो गाइस इसी तरह से काम करता है। तो गाइस आप लोगों ने देखा जो बैरिंग ख़राब हो गया था बाइक का, स्कूटी का, तो बैरिंग मैंने चेंज किया और सब कुछ खोल के फिटिंग करके आप लोगों को दिखाया। अगर आप लोगों का भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग मेरा वीडियो देख के 100% कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।